विपक्ष कौन बनेगा, उसको लेकर इशारों इशारों में अपनी बात तमाम कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। तीन क्षेत्रों में से किसके पास ये जिम्मेदारी आएगी। इधर दुर्ग में एक बड़ी खबर सामने आई, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की जिले में मैराथन बैठकें चल रही हैं, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक ली गई है। ताम्रध्वज साहू ने फटकार लगाई है, जनहित के काम करने के लिए कड़े शब्दों में निर्देश दिया है। शाम को पुलिस अफसरों की बैठक भी गृह मंत्री लेंगे। तो एक बड़ी खबर दुर्ग से हमको मिल रही है, अधिकारियों को काम करने की, जनहित के मुद्दों को सॉल्व करने की ताकीद गृह मंत्री ने की है। हमारे सहयोगी आकाश राव जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, क्या अपडेट है? जी बताना चाहेंगे, आचार संहिता हटते ही दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई है। सुबह से ही वो जो है अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहे हैं। बैठकों के दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में इस बात को कहा है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो दिया जाए। जिस प्रकार से विकास कार्य की अगर गति हमी हुई है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाए, बार बार किसी भी जो जनता को अधिकारियों के पास आना ना पड़े, उनके हर कार्यों को तत्काल पूरा किया जाए और ऐसी कोई भी शिकायत बूथ तक ना पहुंचे, ये बात भी ताम्रध्वज साहू ने अपनी बैठकों के दौरान में कही है। और क्या बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ठेकेदारों को जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गुणवत्ताविहीन कार्य से चल रहे हैं, जो समय से पहले ही जो निर्माण कार्य है वो खराब हो जाते हैं, उसको लेकर के भी कड़े शब्दों में उन्होंने निर्देश दिया है कि जो जनहित के कार्य हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जनता से जुड़े कोई भी काम और आप किसी भी तरीके से किसी अन्य को फायदा ना पहुंचाते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम करें। आज शाम को जो गृह मंत्री है वो पुलिस अधिकारी की बैठक लेंगे और लगातार ये बैठकों के दौरान जो है आज ताम्रध्वज साहू कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहा है और उनके सख्त तेवर साफ साफ दिखे हैं। चलिए आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इन मीटिंग्स को लेकर। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर